नाम से देखा जाए पर सीधी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो पहले पदच्छेदी रेखाएं देखा जाए तो कहेंगे ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर पदच्छेद करें, दूसरे को एक बिंदु पर काटे, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं पदच्छेदी रेखाएं। तथा इस बिंदु को, जिस बिंदु पर ये काटती हैं, इसको कहते हैं ये पदच्छेदी बिंदु है, ठीक है। पदच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु। इसके बाद आता है समांतर रेखाएं, है ना। तो समांतर रेखाओं में कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी जो है सब जगह क्या हो, समान हो, तथा एक दूसरे को कभी ना काटे, ऐसी दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग जानते हैं रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं, है ना, वो कह लो ये समांतर रेखाएं का अच्छा उदाहरण है। उसके बाद आता है संपाती रेखाएं। इसमें कहा जाता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर से होती जाए, ऐसे मतलब एक रेखा उसके ऊपर से दूसरी रेखा, तो ऐसी रेखाओं कहते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है।